आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आने वाले दो दिन अर्थात मंगलवार 23 फरवरी और बुधवार 24 फरवरी को मौसम का मिजाज किस तरह का रह सकता है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी पूर्वानुमान संकलित किया गया है वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। मौसम विभाग के सूत्रों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि आने वाले रविवार अर्थात 28 फरवरी के बाद या 28 फरवरी से ही पारा एकदम उछल सकता है। मौसम विभाग के सूत्रों ने मौसम का पूर्वानुमान देखते हुए ये बताया कि 28 फरवरी और 1 मार्च को दिन में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक भी रह सकता है, अर्थात जबरदस्त गर्मी पड़ सकती है। अब हम आपको बताते हैं 23 फरवरी मंगलवार को किस तरीके का रह सकता है जिले भर में तापमान। तापमान के बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए स्क्रीन पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो 22 फरवरी और 23 फरवरी की दरमियानी रात 12 बजे का नज़ारा। तापमान 16 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच। रात के समय अब हम आपको बताते हैं 4 बजे के लगभग तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और सुबह 8 बजे का तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। 11 बजे के लगभग आप देखिए थोड़ी सी लालिमा बढ़ती हुई दिख रही है, तापमान 21 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। 2 बजे दिन में तापमान और थोड़ी सी लालिमा बढ़ी 21 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच और शाम 4 बजे के लगभग तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस 31 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच सकता है दिन का तापमान। शाम का तापमान अब हम आपको बता रहे हैं, शाम 8 बजे के लगभग का ये तापमान आप देखिए 8 बजे के लगभग ज़िले में 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। और ये जो आप देख रहे हैं मंगलवार 23 फरवरी और बुधवार 24 फरवरी की दरमियानी रात 12 बजे का ये नज़ारा, तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा मौसम का जो पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। वैसे हमने आपको बताया कि 28 फरवरी रविवार आने वाले रविवार को मौसम का मिजाज कुछ गर्म महसूस हो सकता है, आपको तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है और उसके बाद तापमान में निरंतर घट बढ़ जारी रहेगी। पर ये घट बढ़ बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, 30 32 34 डिग्री सेल्सियस के लगभग तापमान बना रह सकता है। फिलहाल रखते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट। अब हवाओं की गति और दिशा के बारे में हम बताते हैं। हवाओं की गति और दिशा के बारे में जो जानकारी हम 23 फरवरी मंगलवार की आपको दे रहे हैं, 23 फरवरी को रात 12 बजे के लगभग उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर हवाएं चल रही, हवाओं की गति बहुत ज़्यादा प्रतीत नहीं हो रही है। 4 बजे रात को हवाओं की गति हल्की सी तेज, 5 बजे भी तेज हल्की सी है, 6 बजे भी हल्की सी तेज प्रतीत हो रही है, अर्थात पत्ते आपको हिलते हुए दिख सकते हैं। और 7 बजे के बाद हवाएं गति थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है और शाम 5 बजे तक हवाओं की गति बहुत ज़्यादा नहीं, और 7 बजे के लगभग उत्तर से दक्षिण की ओर हवाएँ चल रही हैं। ये हवाएं हल्की सी बहुत हल्की तेज अर्थात पत्ते हिलते हुए आपको दिख सकते हैं। रात 12 बजे का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। 12 बजे रात के बाद अब हम आपको जो नज़ारा दिखा रहे हैं इसके बाद अब आपको तापमान बुधवार 24 फरवरी को किस तरीके का रहेगा ये बताते हैं। स्क्रीन पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो नज़ारा
मंगलवार 23 फरवरी और बुधवार 24 फरवरी की दरमियानी रात 12 बजे का नज़ारा है। 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान बना हुआ है। सुबह 4 बजे के लगभग 15 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान, सुबह 6 बजे के लगभग तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच और 8 बजे के लगभग थोड़ा सा तापमान बढ़ता हुआ दिख रहा है। 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान 11 बजे के लगभग आप देखिए कि लालिमा एकदम से बढ़ गई और तापमान जिले भर में 22 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच, 2 बजे दिन का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस एकदम पहुंच सकता है और शाम 6 बजे के लगभग तापमान 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच और ये रात 10 बजे के लगभग 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान और रात 12 बजे बुधवार 24 फरवरी और बृहस्पतिवार 25 फरवरी की दरमियानी रात 12 बजे का यह नज़ारा 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान। अब हम आपको बुधवार को हवाओं की दिशा के बारे में बताते हैं। स्क्रीन पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये बुधवार 24 फरवरी और बृहस्पतिवार 25 फरवरी की दरमियानी रात 12 बजे का नज़ारा है। हवाओं की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर, गति बहुत ज़्यादा प्रतीत नहीं हो रही है। 4 बजे के लगभग हवा थोड़ी सी अपेक्षाकृत तेज, हवा इतनी तेज़ रहेगी कि पत्ते हल्के फुल्के हिलते हुए आपको दिख सकते हैं। 8 बजे सवेरे हवाओं की दिशा वही, 11 बजे के लगभग पूरे ज़िले में हवाओं की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व और गति लगभग 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, अर्थात बृहस्पतिवार को दिन में हवाएं तेज चल सकती हैं पर बहुत तेज़ हवाएं चलने की उम्मीद नहीं। शाम 6 बजे का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। 8 और 9 बजे के लगभग फिर एक बार थोड़ी सी तेज़ हवाएं, 10 बजे रात को भी हल्की सी तेज़ हवा और रात 12 बजे के लगभग भी हवाओं की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर, हल्की तेज़ हवाएं चल सकती हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा मौसम का जो भी पूर्वानुमान संकलित किया गया है वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। महेश रावलानी के द्वारा मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से पिछले लगभग एक दशक से जो भी मौसम का पूर्वानुमान दिया जा रहा है वो 95 से 99% तक सही साबित होता आया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में ऑडियो बुलेटिन, वीडियोस, मौसम के अपडेट, मनोरंजक जानकारियां, बॉलीवुड के वीडियोस आदि अगर आपको पसंद आ रहे हो तो आप उन्हें लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं। इसके अलावा सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब सिर्फ आपको एक ही बार करना और कैसे करना और वीडियो के आखिरी में हम आपको बताते ही हैं। आने वाले 2 दिनों का मौसम का पूर्वानुमान लेकर हम एक बार फिर हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं। नमस्कार। वेलकम टू संजय उपाध्याय ट्यूटोरियल्स। अ जर्नी फ्रॉम ए स्मॉल इंस्टीट्यूशन टू हियर। दिस इज अ ग्रेट डिलाइटफुल मोमेंट फॉर अस टू टेल यू अबाउट आवर न्यू कैंपस। वी इनवाइट ऑल दोज स्टूडेंट्स हू आर क्यूरियस एंड वांट टू स्टार्ट देयर करियर विद अस। Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services is Inspector, Bank, SSC, Railway and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, and hear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library.
redesigned classrooms which are comfortable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks, lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप या तो यूट्यूब आपके उसमें मोबाइल पर होगा, डेस्कटॉप पर होगा तो यूट्यूब खोलिए, अदरवाइज़ गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए YOUTUBE यूट्यूब, आप सर्च करिए। यूट्यूब सर्च जैसे ही आप करते हैं तो यूट्यूब आपके सामने ये YouTube.com खुल जाता है। यूट्यूब को आप खोलिए। यूट्यूब खोलने के उपरांत आप यूट्यूब में साइन इन कर लीजिए। यूट्यूब में आपको साइन इन करना होगा। यूट्यूब में आप साइन इन करते हैं, जैसे ही आप यूट्यूब में अगर साइन इन करते हैं तो यूट्यूब में साइन इन करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये साइड में आपका यहाँ पर जो भी लोगो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE, ये LIMTY KHARE आपने टाइप किया, ये देखिए आपको नोटिफिकेशन, आप चाहें तो अलाउ करें चाहे तो ये आ गया। अब आप इसको, आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये सर्च आप करते हैं। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका चैनल खुल गया। अब इस चैनल में आप ये देख सकते हैं कितने सारे वीडियोस, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोस इसमें डले हुए हैं। अब इसमें आप ये लाल रंग का यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस सब्सक्राइब बटन को आपको, ये सब्सक्राइब बटन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इस सब्सक्राइब बटन को आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपको इसको क्लिक करना है। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब्ड, ये अब लाल नहीं रह गया। इसके बाजू में आप देखिए ये घंटी का बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब के और सीधे हाथ राइट हैंड साइड तरफ, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पर्सनलाइज नन एंड ऑल, आप इसको ऑल कर दीजिए। ऑल को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप यहाँ लिमटी खरे पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल के आप अंदर पहुँच जाएंगे। और जैसे ही आप चैनल के अंदर पहुँचते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से काम करेगा ये चैनल के अंदर पहुँचने के बाद। आपको अभी वीडियोस प्ले, जितने भी उसके अंदर कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ आपको ये देखिए, होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर किस किस सेगमेंट में अलग अलग जो वीडियोस यहाँ पर डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए करेंसी के संबंध में, पेंच नेशनल पार्क के संबंध में भी आपको हास्य, मौसम के अपडेट, फार्मूलाज आप यहां देखेंगे जो विद्यार्थियों के लिए है, बुंदेली लोकगीत, रिलीजियस कविता भी, कार्टून्स जो हैं, आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, ऑडियो बुलेटिन्स मिलेंगी, डेली न्यूज़, साइन न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, स्पेशल रिपोर्ट भी आपको यहां पे मिलेगी, लिमटी की लालटेन, यहाँ आप लिमटी की लालटेन भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। और वीडियोस में अगर आप जाते हैं, सबसे पहले तो होम में जाएंगे, 4-5 जो करंट वीडियोस आपको वो दिखेंगे। उसके बाद अगर आप इसके वीडियोस में अगर आप जाते हैं तो वीडियो में जाने के बाद आप देखिए सारे के सारे वीडियोज़ एक लाइन से आपको सारे वीडियोज़ दिखना